नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौड़ा घाट के पास बना हुआ गौशाला। तो आइए चलते शुरू करते हैं। ये देखिए गौशाला के पास जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये दूसरी साइड नदी है, घाघरा नदी, जो फैजाबाद बाराबंकी से निकल कर के आई है अयोध्या होते हुए अंबेडकर नगर। टांडा से आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा जो है एक चौड़ा घाट पड़ता है, उसके पास ही जो है ये गौशाला बना हुआ है। ये देखिए सब गाय बछड़े जो है यहाँ पे हैं। आइए चलते हैं, सामने से देखते हैं। सामने की तरफ चल रहे हैं हम लोग। किनारे किनारे देखिए जो है ये सब गाय और बछड़े निकल करके भागे ना, इसलिए जो है कटीले वाला तार लगाया गया है। और इसी में रात दिन जो है गाय और बछड़े यहाँ पे रहते हैं। ये हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए जो रास्ता दिख रहा है ये ट्राली ट्रैक्टर और गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है। ये देखिए गाय और बछड़े सब लोग हैं। ये टेंट बनाया गया है इन लोगों के रहने के लिए। ये ब्रह्म बाबा का स्थान है, यहाँ एक नल लगा हुआ है, पीपल का पेड़ है, चबूतरा भी बनाया गया है। आइए चलते हैं सामने की तरफ। ये देखिए ये टेंट बनाया गया है, इसमें गाय और बछड़े सब रहते हैं। आइए हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देख ले सब लोग देख रहे हैं, ये सब देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, गाय बछड़े सब हैं। ये देखिए यहाँ पर सफाई कर्मी लोगों को रखा गया है सरकार की तरफ से, और वही सब यहाँ पे देखभाल करते हैं। और यहाँ से कई किसान लोग जो गाय को अपने घर पालना चाहते हैं, यहाँ से तहसील से सब लिखवा करके जो है अपना डॉक्यूमेंट बनवा करके ले जा सकते हैं, और सरकार जो है उनको पालने के लिए पैसा भी देती है। और पशु अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर आकर के दवा भी देते हैं, और फ्री में उनका इलाज किया जाता है। और अगर आप भी ले जा कर के अपने घर पे पालना चाहते हैं तो यहाँ पे कागजी कार्रवाई करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ से शायद 800-900 रुपया जो है यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर मंथ जो है गाय को पालने के लिए चारा वगैरह खिलाने के लिए आपको पैसा यहाँ से मिलता है, देखभाल करने का समझ लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे गायें हैं, कुछ लोग ले भी गए हैं यहाँ से। तो इस तरह से गाय वगैरह सब यहाँ पे रहती हैं।
और आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे।